नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका शुरू करने जा रहे हैं। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। सबसे पहले आपको पता है कि हमें अनुपात देखने पड़ेंगे A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो आइए पहले अनुपात ही निकाल लेते हैं। तो A1 बटा A2 हमें निकालना है, B1 बटा B2 भी हमें निकालना है और C1 बटा C2 भी हमें निकालना है। आइए A1 बटा A2, इसमें से x का जो गुणांक है वो है 3 और यहाँ x का गुणांक है 2, तो A1 बटा A2 तो आ गया 3/2। B1 बटा B2 देखेंगे तो y के साथ है 2 और वहाँ y के साथ है -3। C1 बटा C2 देखेंगे तो C1 है 5 बटा C2 है 7। अब देखने वाली बात यह है कि A1 बटा A2 आया 3/2, B1 बटा B2 आया 2/-3। तो हमने देखा कि A1 बटा A2 जो है यह B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। C1 बटा C2 नहीं चाहिए होता यदि ये पहले ही दोनों बराबर ना आए। याद रखना, C1 बटा C2 नहीं देखा जाता यदि पहले दो यानी A1 बटा A2, B1 बटा B2 के बराबर ना आए, तो C1 बटा C2 नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि A1 बटा A2 यदि B1 बटा B2 के बराबर ना आए तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इनका एक हल होगा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? इस प्रकार से दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं और ये एक बिंदु पे मिलती हैं, इसका मतलब एक हल है। और हमें निकालना है कि इनके युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमने पढ़ा था जिसका हल होगा वो संगत, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत। हमने अभी पढ़ा कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है और यदि नहीं है तो इनका एक हल है और यदि एक हल है तो ये संगत हैं, यह रैखिक युग्म संगत है। तो क्योंकि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे अतः दी गई रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं था तो एक अद्वितीय हल। ठीक है, तो इसके साथ आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं केवल एक अद्वितीय हल, और एक हल है इसीलिए यह संगत है। जिसका हल होगा वह संगत युग्म है, जिसका हल नहीं होगा वह संगत असंगत युग्म होगा। आशा करता हूँ यह फर्स्ट भाग आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्न के बाकी भाग देखने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।